जिस तरीके से हमारी कल की खान साहब से मीटिंग हुई है, आज की प्रोसीडिंग भी बिल्कुल डिफरेंट थी। आज अदालत में आदो ये अलकादर नेब का केस है, ये साइपर का केस नहीं है, जिसमें कहा जा रहा था कि सीक्रेसी का इशू है। यहाँ कोई सीक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है, एक जेल ट्रायल है जो चल रहा है, जिसमें पब्लिक और मीडिया का होना हर हालत में ज़रूरी है। आज मीडिया को तीन कमरों के पीछे रखा गया था, नए शीशे लगवाए गए थे, दीवारें बुलंद कर दी गई थी, शेड्स लगवाए गए थे, दरवाज़ों को लॉक लगे हुए थे और मीडिया को एक लफ्ज़ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आपके साथी रिपोर्टर जो कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं सुना। रिपोर्टरों ने हमसे पूछा कि हम उनको एक्सप्लेन करें प्रोसीडिंग क्या हुई है। रिपोर्टरों ने हमसे पूछा और हमने उनको बताया कि किस डेट के लिए प्रोसीडिंग्स एडजर्न हुई है। ये सब कुछ इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। जूं जूं केस आगे बढ़ता जा रहा है, जब इनको ये पता चला है, पब्लिक को जब ये इलम हुआ है कि नहीं ट्रस्टी का किसी केस से लेना देना होता है, और इनके अपने गवाहों ने एडमिट किया है कि न खान साहब की वजह से स्टेट का लॉस हुआ है, न खान साहब की वजह से उनका कोई फ़ायदा हुआ है इस केस और इस प्रोसीडिंग से और इसके सब्जेक्ट मैटर से। जूं जूं गवाह आ रहे हैं, ये इस घबराहट से कि आवाम को पता चलेगा कि ये एक बेसलेस केस है, ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, इनकी कोशिश है कि मीडिया को दूर कर ले। ये गैर कानूनी ट्रायल हुआ है, आज हम इसको भी अदालत के सामने रखेंगे और हम इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं। आज खान साहब ने, जज साहब जब उठ गए तो ज़ोर से बात करते हुए मीडिया को अपने पैगाम दिए। आज खान साहब ने फिर मीडिया को बहावल नगर वाले वाक़या पे शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। ये इस बात के सबूत है कि इस मुल्क में अब जंगल का कानून है। जंगल एक बादशाह जो चाहता है, जैसे चाहता है, वो अपने कानून के मुताबिक जुल्म भी करता है, माफियाँ भी दिलवाता है। हम उनको रिमाइंड कराते हैं कि पुलिस ने जिससे माफ़ी मांगी, जब पीटीआई के वर्कर और सपोर्टरों को रोका गया, इनके घरों में जाया गया, इमरान खान साहब के घर पे जब दावा बोला गया, जब दरवाज़े तोड़े गए, पासपोर्ट और चेक बुक को चोरी किया गया, दूसरी घर की औरतों को बग़ैर औरतों की पुलिस के साथ घर में एंट्री की गई, उस पर किसी ने अपालोजी नहीं की। हम अदलिया के सामने भी यही तहफ़ुज़ात हमने रखे, अदलिया की तरफ से भी खातिर ख्वाह कोई रिलीफ नहीं मिला। आज भी हमारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट से हम इस्तदा पे इस्तदा कर रहे हैं। गुज़श्ता तीन महीनों से मुसलसल इस्तदा कर रहे हैं, पहले इस्तदा करते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दो, इलेक्शन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कराने के लिए इकदाम करो, रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से ले लो, उसमें ताखीर हुई। अब हम रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे केसेस समाअत के लिए लगाओ। हम अदालत से दोबारा अपील कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन से रिलेटेड मसला बहुत अहम है, उस पे भी कार मेहरबानी करके बेंच बना करके उसकी प्रोसीडिंग करो। वो रिजर्व सीट्स रिलेटेड हमारी पिटीशन अभी तक सुनवाई के लिए फिक्स नहीं हुई है। आज खान साहब ने खुद अदालत से रिक्वेस्ट की है बीबी के सेहत के बारे में, और इस खदशे के पेश नज़र कि उनको जहर दिया गया है, उनको हारपिक दिया गया है, जज साहब ने आज ऑर्डर किया है कि शौकत खानम के डॉक्टर के मौजूदगी में बीबी के कल 12 बजे टेस्ट भी होंगे और इसका फिजिकल मुआयना भी होगा। और शौकत खानम का डॉक्टर आसिम साहब आग इस्लामाबाद के जिस हॉस्पिटल से कहेंगे वहाँ से उनके टेस्ट भी होंगे। हम उम्मीद करते हैं केस पे अमल दरामद होगा। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने हकामात को ज़रूर इन्फोर्स करवाओ। अच्छा, जी प्लीज क्वेश्चन में कर करके कहा कि मैं आपको कभी माफ नहीं करता, तो इससे ये क्या?
क्या असर हो रहा है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात ऐसे में क्या मुज़ाकरात बाकी ही हो रहे हैं या कि देखिए मुज़ाकरात का बार बार सुना जाता है, अगर मुज़ाकरात शुरू हुए या होने थे और जिसके साथ होने होंगे तो हम कभी आपसे छुपाएंगे नहीं, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, इतने घंटे की मीटिंग हुई और फलां बंदे के साथ हुई है। हमने कोई चीज़ छुपाना नहीं है तो हम मुज़ाकरात क्यों छुपाएंगे, तो इसलिए कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जहाँ तक खान साहब नाम ले रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल ये ज़रूरी है, खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है। इस वक्त बुशरा बीबी अपने घर में अकेली है, सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियाँ बंद हैं, कमरा बंद है, वो घर में अकेली हैं, उनके तहफ़ुज़ात है सेहत के बारे में भी और सिक्योरिटी के बारे में। जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, खान साहब सही फरमा रहे हैं कि अगर बीबी को कुछ हुआ तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जिनके जिनके ईमा पे ये सारा हो रहा है। देखिए वो हम हमेशा ये कह रहे हैं कि डायलाग होने चाहिए, हम तो ये नहीं कह रहे कि डायलाग का रास्ता बंद है, पर इनका क्वेश्चन ये है क्या इस वक्त डायलाग हो रही है, बात हो रही है। हमारी जो बातें हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टी से वो तो हम कंफर्म करते रहते हैं आपको कि यस हमारी 6 पार्टियों के साथ अलायंस हो गया, बाकियों के साथ भी कोशिश करें, उनके साथ हमारी डायलाग है या कोई बातचीत चल रही है, हमारी हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और MQM के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही, हमारी किसी इदारे के साथ कोई डायलाग और बातचीत नहीं चल रही। जहां तक इस बात का ताल्लुक है तो खान साहब ने आज तक कभी भी फौज के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोला। खान साहब का स्टेटमेंट यही है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। देखिए हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, इजाज़त नहीं दे रहे। जहाँ जहाँ हमने अप्लीकेशनें दी थी वहाँ अप्लीकेशनों पे इजाज़त अप्लीकेशनें सारी मुस्तरद हुई और हम कोशिश कर रहे हैं, 2 दिन कितने जल्दी हम दे सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है और लोकल जो लीडरशिप है वो अपने रैलीज करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम रैलीज और कन्वेंशन करेंगे अगर बड़े जलसे की इजाज़त। यस फिर भी कन्वेंशन करेंगे अपने जैसे खान साहब। जनरल बाजवा का भी बार बार नाम लेते हैं कि वो इस साजिश का हिस्सा रहे, वो जनरल बाजवा को ता याद उनको ओहदे पे रहने की उन्होंने पेशकश भी की थी उस वक्त और ये तमाम लोगों ने सुना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आज वो मुखालिफ हो गए उस वक्त वो उनके नहीं? देखो खान साहब ने दोनों चीज़ों का अलग अलग जिक्र किया, जहाँ तक हयात नहीं उसने एक्सटेंशन का जिक्र किया है तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इनका साथ देंगे इस पर्पज़ के लिए कि वो आपको एक्सटेंशन देंगे वो तो हम भी दे देंगे, ये वैसे इस तनाजुर में हुआ था, अदरवाइज ही वॉज नॉट इन फेवर की किसी को भी एक्सटेंशन दी जाए। और जहाँ तक उनके कहने का मुतालिक है कि उन पर इल्ज़ाम ठहराया है तो वो एक मरतबा नहीं कई मरतबा खान साहब ने जिक्र किया है। और अभी खान साहब ने हमेशा ये कहा है, आज आपके सामने उन्होंने आर्मी चीफ का नाम दिया, ISI का नाम दिया, तो ये किस तरह आप कह रहे हैं कि देखिए वो फौज शख्सियत का एक नाम लेना अलग बात है और इंस्टीट्यूशंस का फौज का नाम लेना एक अलग बात है। जहाँ तक जिन शख्सियत का उन्होंने नाम लिया वो इस तनाजुर में उन्होंने लिया कि यही वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके पावर और इख्तियार के नीचे ही बीबी वहाँ है, तो इसलिए अगर एक मरीज़ ये कह रहा है, एक जेल में रहने वाला एक औरत आपको कह रही हैं, वो फर्स्ट लेडी आपको ये कह रही हैं कि उसको ये शक नहीं, उसको यकीन है कि उसको जहर दिया गया है और आप उसकी एग्जामिनेशन नहीं करवा रहे। आज खान साहब ने ख़ुद कहा है 4 महीनों से हमारी दरख्वास्त है कि खान साहब की डॉक्टर आएंगे उनकी मेडिकल चेकअप कराओ, वो 4 महीनों से वो डॉक्टर को नहीं आने दिया जा रहा, तो इस सरकमस्टांसिस में ये कहना बिल्कुल बजाय कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और हम हक रखते हैं कि जो इस सेहत को नुकसान हो जाता तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। सर आप इस हुकूमत को कितना साथ चलता देख रहे हैं अपने? मैं तो कहता हूँ ये गैर मुंतहब हुकूमत है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है, मैंडेट नहीं है, कोई चलना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग चलवा रहे हैं जितना अरसा तक चलेगा बल इंशाल्लाह ताला इनके दिन बड़े कम होंगे। ये बिल्कुल पकड़ दकड़ शुरू है और दांडी भी शुरू है, हमारे जो अहमद चट्टा साहब है उसको अपने इलाके में अपने गांव में जाने नहीं दे रहे, वो MMNA साहब है लेकिन वो MNA भी नहीं जा सकते, उसका भाई इलेक्शन लड़ रहा है वो कंपेन नहीं कर सकता, तो ये तो सब दुनिया ने देखा और हम सोशल मीडिया पे उसको लेके आ चुके। थैंक यू सो वेरी मच।